हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 जो कि गवर्नमेंट ने 31 जनवरी 2018 को इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, जो कि दो हिस्सों में डिवाइड है। वॉल्यूम सेकेंड, ये वॉल्यूम सेकेंड है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर, और दूसरा पार्ट है वॉल्यूम फर्स्ट। ये वॉल्यूम सेकेंड मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो वी आर हेयर फॉर टू गाइड यू हाउ टू रीड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम, है ना। ये वॉल्यूम सेकेंड जो है 196 पेजेस का है करीब, और वॉल्यूम फर्स्ट जो है 162 पेजेस का है, तो दोनों मिला के 358 एडिशन होता है। नियर 350 पन्नों का पेजेस का ये इकोनॉमिक सर्वे है। तो क्या आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिए, और हमारे चैनल को, मिशन आईएएस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नेडी आईएएस एस्पिरेंट ग्रुप में, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तहत बात करते हैं। तो अब इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम सेकंड। अच्छा, वॉल्यूम फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि वॉल्यूम फर्स्ट जो है ज़्यादातर एनालिटिकल है, एनालिसिस की गई है, और वो फ्यूचर में जो करेगी गवर्नमेंट उसके बारे में है, है ना। तो फ्यूचर में जो करेगी इसकी आशंका, यूपीएससी प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन बनने की आशंका बहुत कम है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम सेकंड, बिकॉज वॉल्यूम फर्स्ट जो है एनालिटिकल व्यू है, एनालिसिस ज़्यादा की गई है, और उसका ज़्यादातर क्वेश्चन उसके मेंस में से आ सकते हैं। मेंस एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन उस मेंस के लिए बन सकते हैं, मेंस एग्जाम के लिए। प्रिलिमिनरी के लिए बेस्ट है वॉल्यूम सेकंड, बिकॉज इसमें फैक्चुअल डेटा और जो 2017-18 में जो हुआ इकोनॉमिक, क्या परफॉर्म की, परफॉर्मेंस कहाँ रहा, कैसा रहा इकोनॉमी का, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी रही, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही 2017-18 में, ये पूरा इकोनॉमिक वॉल्यूम सेकंड में बताया गया है। सो इसमें टोटल 10 चैप्टर्स है, है ना, कॉन्टेंट्स में आप देखिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड के दोनों ही ज़्यादातर आपका फोकस रहना चाहिए वॉल्यूम सेकंड पर, और उसमें भी दोनों ही वॉल्यूम के फर्स्ट चैप्टर और प्रीफेस तो आप ज़रूर पढ़िए, वॉल्यूम फर्स्ट का प्रीफेस, और स्टार्टिंग में जो 10 इकोनॉमिक फैक्ट, जो 10 स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट होने से पहले दो 10 डेटा दिए गए, वो आप ज़रूर पढ़िए। और ये सिर्फ मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, है ना, और किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, दोनों ही वॉल्यूम के फर्स्ट चैप्टर पे। अभी वॉल्यूम सेकंड जैसे एन ओवरव्यू ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 17-18, तो आप इसे, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, और साथ साथ में जहाँ जहाँ वर्ड जो सस्टेनेबल, देखिए पेज नंबर 26 पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वॉल्यूम, इस वॉल्यूम का चैप्टर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्राइस एंड इन्फ्लेशन चैप्टर 4 पे इंपॉर्टेंट लग रहा है एज पर द प्रिलिमिनरी व्यू, और एट द लास्ट देखिए यहाँ पर कंक्लूजन लिखा हुआ है, हर चैप्टर के एंड में कंक्लूजन लिखा हुआ रहता है, या तो वे फॉरवर्ड, तो आप उसे ज़रूर एक से दो बार पढ़िए और समझिए। अच्छा, अब ये इतना बड़ा चैप्टर है तो आपको एक एक लाइन पढ़ना है, बता रहा हूँ, दोनों ये वॉल्यूम के फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर ज़रूर पढ़िए, और जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़िए। और दूसरी बात कि ये कि हर चैप्टर आप पूरा मत पढ़िए, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, है ना, जैसे कि ये मैं बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट चैप्टर देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो हर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, सॉरी, चैप्टर स्टार्ट जैसे ही होता है, कहाँ गया यार, हाँ ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है, इटैलिक व्यू में ये पैरा दिया गया है, ये जो पैरा आप देख रहे हो ना, आफ्टर रजिस्ट्रिंग GDP ग्रोथ, ये पूरा पैरा इस चैप्टर में जो भी, ये फर्स्ट चैप्टर में करीब करीब सपोज लो 40 पन्नों का है, 40 से 50 पन्नों का है, तो पूरी समरी इस इटैलिक व्यू में दी गई है, इटैलिक फॉन्ट में जो पूरा पैरा दिया गया हुआ है, मुश्किल से आई थिंक 20-25 लाइन होगी एक अंदाजे से, तो ये 25-30 लाइन्स में पूरा कवर किया गया है पूरे चैप्टर को, तो इसकी समरी आप ज़रूर पढ़िए, है ना। आपको चैप्टर में पूरा पढ़ने की, डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो ब्रीफली एक्सप्लेन है वो इस इटैलिक फॉन्ट व्यू में, इस पैरा में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, बाकी देखिए आप फिर इस इटैलिक व्यू नहीं है, ये पूरा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो गया, पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, तो हर चैप्टर में ये इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए कि इकोनॉमी में इस चैप्टर में क्या बोला गया है। फिर आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 5th ऑफ वॉल्यूम सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। इसमें ये चैप्टर का एक भी वर्ड आप छोड़िए नहीं, क्योंकि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट, है ना, एंड मैक्सिमम बेनिफिट
रिलेटेड चैप्टर है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इसमें आईएसए दिया गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अर्बन इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर फिफ्थ। चैप्टर सिक्स भी आप देख सकते हो, एंटी डंपिंग मेजर वगैरह देख सकते हो इसमें, है ना, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। और फिर चैप्टर सेवन भी इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। चैप्टर एट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट में जो है टेंथ चैप्टर, लास्ट चैप्टर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर चैप्टर में जगह जगह ऐसे ग्राफ दिए गए हैं, तो आप ग्राफ देख लीजिए, है ना, और ऐसे टेबल्स भी दिए गए हैं जगह जगह, आप टेबल भी पढ़िए, है ना, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये जो बॉक्सेस दिए गए हैं ना, बॉक्सेस ग्राफ, जैसे खासतौर से ग्राफ नहीं तो ये बॉक्सेस तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इसमें से ही बने, और बनता ही है हर साल इकोनॉमिक सर्वे से 10 क्वेश्चन, तो समझ के चलिए कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आने ही वाला है। उसके बाद आ जाते हैं वॉल्यूम फर्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम फर्स्ट, है ना, तो इसमें भी वैसे ही जैसे मैं बताता हूँ कि चैप्टर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसमें टोटल 9 चैप्टर्स है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड एनालिटिकल ओवरव्यू एंड आउटलुक फॉर पॉलिसी, फ्यूचर के लिए क्या करना है, तो आउटलुक फॉर 2018 एंड 2019। चैप्टर टू अबाउट जीएसटी, है ना, जीएसटी का इम्प्लीकेशन क्या रहा, इसके लिए मैं आपको इसका इकोनॉमिक सर्वे का हम एक क्रैश कोर्स भी बनाएंगे, आप ज़रूर देखना। लास्ट में देखिए कंक्लूजन लिखा हुआ है, तो हर एक स्टार्टिंग के इटैलिक पैरा पढ़िए, बॉक्सेस पढ़िए और कंक्लूजन पढ़िए, एंड पढ़िए, और आपकी नोट्स, खासतौर से आप हो सके तो नोट्स बनाइए, हर एक चैप्टर की नोट्स बनाइए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें से। अब नोट्स कैसे बनाना है कि यूपीएससी अगर आपको नहीं बना सकते हो कोई बात नहीं, हम जल्दी ही इकोनॉमिक सर्वे पे एक क्रैश कोर्स बनाने जा रहे हैं, जो कि आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा, उसमें हर एक चीज़ हम कवर करेंगे, और साथ साथ में एमसीक्यू वीडियो भी हमारी जल्दी ही आने वाली है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 6 चैप्टर जो है क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा चैप्टर लास्ट चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ट्रांसफॉर्मिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दोस्तों ये क्यूरेका नाम का, इसके अलावा मैं आपको अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, आप दिन भर बहुत पढ़ाई करते हो और आपके पास तो नॉलेज और करंट अफेयर्स का बहुत का ज्ञान का समुंदर होगा, है ना, तो आप अपनी इस नॉलेज का थोड़ा यूज़ भी कर लीजिए, और इन्फोटेनमेंट, है ना, क्यूरेका एक क्विज गेम है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या दी हुई लिंक पे हमारे नीचे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। क्यूरेका नाम का एक गेम है जो कि 10 क्वेश्चन देता है दोपहर में 2:30 बजे, और एग्जैक्ट 2:30 बजे आपको 2 मिनट पहले ही उस ऐप पर जाना है, यानी 2:28 को पहुंच जाना है, और रात में 8:30 बजे 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 ही 10 सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इंडियन पॉलिटिक्स से, यानी एक आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए उसका आंसर देना बहुत आसान होगा, इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि ये गेम आप ज़रूर खेलिए, और साथ साथ में अगर आप 10 ही 10 आंसर राइट दे देते हो तो आपको क्यूरेका, आपको अगर सबसे कम समय में देते हो तो 1000 रुपीज़ आपके पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, है ना। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, क्यूरेका डाउनलोड कीजिए ऐप को, और यहाँ पर फिर मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, तो दोस्तों आपको जो द फॉलोइंग कंपनी एंड फेसबुक ऑफ स्टडी के साथ जारी है, ठीक है, ये जो द फॉलोइंग व्हेन दे कट अनियंस दैट ट्रिक इसके बाद एक कोड आपको जरूर डालना है, रेफरल कोड,
ये मैं आपको दे, ये कोड आपको ज़रूर डालना है ना, ये QUREMA3104 कोड डालना है तभी आपको अर्निंग होगी, है ना। सो दोस्तों लिखा हुआ है रेफरल आईडी में डालना ना भूले, आपको इससे ज्यादा बोनस पॉइंट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।